श्री कृष्ण। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम पॉरीफेरा, जो कि है आपका चैप्टर 4 ऑफ बीएससी जूलॉजी फर्स्ट ईयर का सेम 1। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे फाइलम पॉरीफेरा। तो फाइलम पॉरीफेरा में मेनली जिस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो है स्पॉन्जेस। सो लेट्स स्टार्ट। द नेम ऑफ फाइलम पॉरीफेरा वॉज क्रिएटेड बाई ग्रांट्स इन 1836 एंड इट्स मीनिंग इज पोर बियरिंग एनिमल्स। तो ये जो नेम है फाइलम पॉरीफेरा वो किन्होंने बनाया था? ग्रांट्स इन 1836। और पॉरीफेरा का मतलब क्या था? पोर बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें पोर पाया जाता है। ठीक है, द स्पॉन्जेस आर इंक्लूडेड इन द फाइलम पॉरीफेरा विच आर द मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ये जो स्पॉन्जेस है ये मोस्ट प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। प्रिमिटिव का मतलब क्या? जिसमें न्यूक्लियस आपका वेल डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग इसका जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर क्या है? देयर एक्वाटिक, मोस्टली मरीन एंड फ्यू फ्रेश वाटर। वो जनरली जो आपके पॉरीफेरन्स होते हैं, आप स्पॉन्जेस बोल लो अभी जिसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ये कैसे होते हैं? आपका मोस्टली मरीन होते हैं, मरीन वाटर में ज्यादा पाए जाते हैं, और कुछ कुछ ऐसा जो फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी मतलब या तो वो इंडिविजुअल अकेले रहते हैं या तो कॉलोनी फॉर्म करके रहते हैं। फिक्स टू रॉक शेल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, दैट इज पोजेसेस टू लेयर्स ऑफ सेल्स, आउटर डर्मल एंड इनर कोइनोसाइटिक। इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, बस आप इतना ध्यान में रखो कि वो कैसे होते हैं। वो डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर में होते हैं, मतलब दो लेयर्स होते हैं सेल के, एक आउटर और एक इनर। इनर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोइनोसाइटिक या कॉलर सेल्स। ठीक है, अब इन दो सेल्स के बीच क्या होता है? एक आपका जेलेटिनियस मेसोजीलिया प्रेजेंट होता है, जिनमें आपके बहुत सारे फ्री एमोबॉइड सेल्स होते हैं ऑफ सेवरल काइंड्स। जैसे कि ये जो आपका, अगर फॉर एग्जाम्पल ये अगर दो लेयर है, ठीक है, और बीच में क्या है कि जेलेटिनियस मेसोजीलिया प्रेजेंट है, और इसमें इसमें आपका क्या प्रेजेंट होते हैं? एमोबॉइड सेल्स। एमोबॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ डिफरेंट काइंड्स। बॉडी सर्फेस इज परफोरेटेड बाई नंबर ऑफ पोर्स और ऑस्टिया थ्रू विच वाटर एंटर्स द बॉडी। कनाल सिस्टम इज प्रेजेंट। अब ये कनाल सिस्टम क्या है, इसको हम लोग बहुत ही ज्यादा डीप में पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है, बस आप इतना जान लो कि इनमें क्या होता है, कनाल सिस्टम होता है। मतलब कि क्या? कि इनके बॉडी सर्फेस में पोर्स होता है थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉडी टू द एक्सटर्नल मीडियम। ठीक है, थ्रू कनाल सिस्टम ही होता है। ऑस्क्यूलम प्रेजेंट होता है इनमें। अभी हम लोग देखेंगे कि ये सारे चीज क्या होते हैं, कनाल सिस्टम क्या होता है, ऑस्क्यूलम क्या होता है, वो डायग्राम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि इनसाइड द बॉडी, लार्ज कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जियोसील इज प्रेजेंट। अब वो जो पूरा आपका बॉडी होता है स्पॉन्जेस का, उनके अंदर क्या होता है? स्पॉन्जियोसील होता है। ठीक है, ऑल स्पॉन्जेस पोजेसेस इंटरनल स्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सेसिलिक एसिड कॉल्ड स्पिक्यूल्स एंड ऑर्गेनिक फाइबर्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड स्पॉन्जिन। अब जितने भी सारे आपके स्पॉन्जेस होते हैं उनमें जो इंटरनल स्केलेटन है वो किससे बने हुए होते? वो तो या तो कैल्शियम कार्बोनेट या सेसिलिक एसिड से बने होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्पिक्यूल्स। अभी ये भी है जो स्पीक्यूल्स है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पॉन्जेस में, ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ये बस जनरल कैरेक्टर्स है, इन जनरल कैरेक्टर्स को हम लोग डीप में जाके पढ़ेंगे कि स्पीक्यूल्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, या कनाल सिस्टम क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट? है ऑर्गेनिक फाइबर्स ऑफ प्रोटीन कॉल्ड स्पॉन्जिन। ऑर्गेनिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिन। इनमें कोई भी डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होता है, इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक होता है, एंड डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड क्लीवेज इज होलोब्लास्टिक। आई होप आपको ये जनरल कैरेक्टर से थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि जो आपका स्पॉन्जेस है वो किस टाइप का है या क्या उसका फंक्शन है। ठीक है, अब थोड़ा इसको डायग्राम के बेसिस पर हम लोग समझते हैं। ये सारे डायग्राम्स है, ये आपका पिक्चर यहाँ पे है स्पॉन्ज का। ठीक है, ये इसका डायग्राम बेसिस पे, ठीक है, लेबलिंग किया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे, हम लोग क्या पढ़े थे कि ऑस्क्यूलम प्रेजेंट है, ये जो आपको दिख रहा है ये है ऑस्क्यूलम। ठीक है, इसी से सारा क्या होता है आपका, जो पानी बाहर जाना होता है, कुछ भी जो भी बाहर जाना होता है, ये ऑस्क्यूलम के थ्रू से जाता है। एक्सक्रेशन आपका ऑस्क्यूलम के थ्रू से होता है। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ा था कि लार्ज कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जियोसील्स, ये जो सेंट्रल कैविटी आप है वो आपका क्या है? स्पॉन्जियोसील है। ठीक है, जैसे आप देखो ये कॉलर सेल कोइनोसाइट,
ठीक है, इसी के नीचे आपका क्या होता है, एमीबॉइड सेल होता है ये, और ये नीचे आपको दिख रहा होगा ये, हाँ इधर है स्पिक्यूल, एंड देन ये जो कॉलर सेल है इसके ऊपर आपका प्रेजेंट होता है कॉलर, जिसमें क्या होता है आपका फ्लैजेलम या फ्लैजेलल फिब्रिल्स। तो जो अभी हम लोग कनाल सिस्टम पढ़ेंगे, तो कनाल सिस्टम का काम क्या है, दैट ऑल द एक्सचेंज बिटवीन द स्पॉन्ज बॉडी एंड एक्सटर्नल मीडियम आर मेंटेन्ड बाय मींस ऑफ करंट थ्रू कनाल सिस्टम। तो कनाल सिस्टम का क्या काम है कि जितना भी एक्सचेंज होता है स्पॉन्ज बॉडी और एक्सटर्नल मीडियम के बीच में, वो आपका कनाल सिस्टम ही हैंडल करता है बाय मींस ऑफ करंट। ठीक है, दिस करंट इज, अब ये करंट कॉज क्यों होता है, ये जो आपको फ्लैजेला दिख रहा है ये फ्लैजेला का बीटिंग के वजह से ये करंट कॉज होता है, और इसी के वजह से वो जो एक्सचेंज होता है आपका पानी का, फूड का, ठीक है, या किसी का भी एक्सचेंज जो बॉडी से हो रहा है आपका स्पॉन्जेस का बॉडी से, वो किससे होता है, थ्रू कैनाल सिस्टम। तो अभी हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेंगे कि क्लासेस क्या है। क्लासेस तो मेरे लिए तीन ही है, उसमें कुछ कुछ आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको लर्न करने, मेन इसमें है आपका कैनाल सिस्टम्स एंड स्पिक्यूल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लासेस पे मूव करते हैं कि जो स्पॉन्जेस का कितने तरह का क्लासेस होते हैं, या फाइलम पॉरीफेरा का कितने तरह के क्लासेस होते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, तो टोटल कितने क्लासेस है, तीन क्लासेस है। फर्स्ट है आपका कैल्सेरिया, ठीक है, नेक्स्ट है आपका हेक्सेक्टिनेलेडा, और थर्ड वन इज डेमोस्पॉन्जिया। अब एक एक करके हम सबके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो जो फर्स्ट है आपका वो है कैल्सेरिया। दे आर कॉमनली कॉल्ड कैल्सेरियस स्पॉन्जेस, इनको कॉमनली क्या कहा जाता है, कैल्सेरियस स्पॉन्जेस कहा जाता है। इनका जो बॉडी साइज है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, स्मॉल होता है, जैसे कि 15 सेंटीमीटर इन हाइट। बॉडी आपका सिलेंड्रिकल होता है, वेस टाइप का, ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकली होता है। ये कैसे ऑकर करते हैं, सॉलिटरी या कॉलोनियल, मतलब इंडिविजुअली अकेले भी या तो कॉलोनी में भी रहते हैं ये लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट स्केलेटन। स्केलेटन ये क्या है कि अभी आपको इसको समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग स्पिक्यूल्स पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्केलेटन, उसी में हम लोग देखेंगे कि स्केलेटन क्या होता है, किस स्पॉन्ज में किस तरह का स्केलेटन होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो फाइलम पॉरीफेरा में मेन क्या है, फाइलम पॉरीफेरा में मेन है आपका स्पॉन्जेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे, क्लासेस के बाद हम लोग पढ़ेंगे कनाल सिस्टम, कनाल सिस्टम के बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्केलेटन। ठीक है, तो जब हम लोग टाइप्स ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे कि ये मोनोएक्सोन क्या है, ट्राई रेडिएट क्या है, या टेट्रा रेडिएट क्या है। तो अभी बस हम लोग इतना ध्यान में रखेंगे जो क्लास कैल्सीरिया है उसमें किस तरह का स्केलेटन पाया जाता है, या तो वो मोनोएक्सोन होता है, ट्राई रेडिएट भी पाया जाते हैं, और टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल्स, और किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे कैनाल सिस्टम आ गया। कैनाल सिस्टम क्या है कि अभी हम लोग, मैंने जैसे बताया कि कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे, तो अभी हम लोग बस ये जान लेंगे कि इसमें कैनाल सिस्टम किस टाइप का होता है। मेनली हम लोग तीन टाइप के कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं, ए साइकन, साइकन एंड ल्यूसन। तो जो कैनाल सिस्टम है इसमें तीनों तरह के होते हैं, या तो वो ए साइकन भी होते हैं, साइकन भी होते हैं, या सिंपल ल्यूकन भी होते हैं। ठीक है, कोइनोसाइट्स आर लार्ज, मतलब जो इनका कॉलर सेल्स होता है वो बहुत बड़ा होता है। इनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय बडिंग। ठीक है, जो इनमें फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फी ब्लास्टुला। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, ठीक है, अभी हम लोग इस एग्जाम्पल्स के पिक्चर्स देखेंगे। जैसे ये सारे आपके क्या है, क्लास कैल्सीरिया के स्पॉन्जेस हैं। ठीक है, ये देखो इनमें वेज लाइक क्या होता है, सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, और ये जैसे स्काइफा, साइकॉन, ठीक है, ये मेन टाइप में, ये इसी से क्वेश्चन आएगा इसका, आप ये देख लेना थोड़ा सा डायग्राम। जैसे ये बर्ड्स है, ये ऑस्क्यूलम है यहाँ पे, ठीक है, डर्मल ऑस्टिया है जो पोर्स हमने पढ़ा था जनरल कैरेक्टर्स में। ठीक है, स्पिक्यूल्स है इधर, और ये नीचे क्या है, बेस है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्लास क्या है, नेक्स्ट क्लास है आपका हेक्सेक्टिनेलेडा। इनको हम लोग क्या, ग्लास स्पॉन्ज से भी बोलते हैं। इनका साइज मॉडरेट होता है, मतलब छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, मीडियम भी होता है। ठीक है, 10 to 30 सेंटीमीटर के बीच में इनका हाइट होता है। इनका बॉडी कैसा होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल बेस लाइक और फनल शेप्ड, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब इनमें जो स्केलेटन होता है वो किस तरह का होता है, 6-rayed और hexaactin spicules। The large spicules are megascleros and small microscleros made up of salicylic acid। ठीक है, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि उनका जो स्पिक्यूल्स होता है वो किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जो हेक्सेक्टिनेलेडा का जो स्पिक्यूल्स होता है वो किससे बना हुआ होता है आपका,
वो आपका बना हुआ होता है सैलिसिलिक एसिड से, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कनाल सिस्टम, इसमें कैसा होता है कनाल सिस्टम, इसमें होता है यूरिफाइलस ल्यूकन टाइप, ठीक है। अब ल्यूकन टाइप में भी तीन तरह के होते हैं, ठीक है, उसको बस आप लोग नाम जान लेना। तो इसका जो कनाल सिस्टम होता है वो कैसे होता है, यूरिफाइलस ल्यूकन टाइप, कोनोसाइट्स आर स्मॉल एंड लिमिटेड, मतलब जो इनमें कॉलर सेल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लिमिटेड में होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है, अब नेक्स्ट इनकी पिक्चर देख लेंगे। ये इस तरह के होते हैं आपके क्लास हेक्सेक्टिनिलेडा का जो स्पॉन्जेस होता है या पॉरीफेरा जो क्लास होता है उसका एग्जाम्पल्स इस तरह के होते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे मूव करते हैं, क्लास डिमोस्पॉन्जिया, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इनका जो ये जो क्लास डिमोस्पॉन्जिया है उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, न्यूमरस होते हैं, ठीक है, जैसे लिखा भी है, दे आर न्यूमरस एंड हाईली ऑर्गेनाइज। ये क्या है कि डीप सी में पाए जाते हैं, जो कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ आपके स्पॉन्जर्स होते हैं वो आपके फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। बॉडी इनका कॉम्पैक्ट होता है, मैसिव होता है, ब्राइटली कलर्ड होता है। स्केलेटन कैसा होता है, मोनोएक्सोन और टेट्राएक्सोन, ठीक है। स्पिक्यूल्स ऑफ सिसलिक एसिड और ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स, तो इनका जो स्पिक्यूल्स होता है वो या तो सिसलिक एसिड से बना हुआ होता है या स्पॉन्जिन फाइबर्स से, या दोनों से बना हुआ होता है। इनमें जो कनाल सिस्टम है वो ल्यूकन टाइप का होता है, मैंने कहा था कि ल्यूकन टाइप में भी आपके तीन कनाल है, तो ये तीनों में मतलब पाया जा सकता है, ठीक है। एक स्पेशल टाइप ऑफ कनाल सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे अपार्ट फ्रॉम द थ्री टाइप्स ऑफ कनाल सिस्टम, दैट इज रेगन टाइप, ठीक है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिमोस्पॉन्जिया की, जो मोस्टली डिमोस्पॉन्जिया के स्पॉन्जेस होते हैं वो आपके उसमें क्या होता है, रेगन टाइप ऑफ कनाल सिस्टम, ठीक है। वो आपके थोड़ा मतलब जो तीनों कनाल सिस्टम है आपका ए सेकंड साइकंड और ल्यूकन, तीनों से अलग है, ठीक है। तो उसको जब हम लोग कनाल सिस्टम में पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट डिमोस्पॉन्जिया की, उनका जो कनाल सिस्टम मतलब डिमोस्पॉन्जिया के जितने भी स्पॉन्जेस है उनमें जितना भी कनाल सिस्टम होता है वो कैसा होता है, रेगन टाइप, ठीक है। ऐसा ल्यूकन टाइप भी होता है बट रेगन टाइप मोस्टली। फिर उनमें से सॉरी रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और किससे होता है, बाय गैमेट्स। उनका जो लार्वा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रियोगैस्ट्रुला। एग्जांपल से आपका स्पॉन्जिला या स्पॉन्जिया। आपको मेनली क्या करना है इन क्लासेस में से, इनका जो मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको थोड़ा पॉइंट आउट कर लेना, जैसे यहाँ पे लार्वा हो गया, ठीक है, स्केलेटन किस टाइप का हो गया, ठीक है, बॉडी कैसा है और कनाल सिस्टम क्या क्या है, ये सब थोड़ा थोड़ा देख लेना और एग्जाम्पल्स एक दो, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस क्लासेस तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास हम लोग मतलब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो मैं कैनाल सिस्टम पर बनाऊंगी। मैं इस वीडियो में कैनाल सिस्टम को इसीलिए इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। तो जो टॉपिक वाइज है उस टॉपिक वाइज से मैं वीडियो आपको देती जाऊंगी। जैसे एक वीडियो मैंने आपको दिया कि फाइलम पॉलीफेरा क्या होता है, मेनली हम लोग पढ़ते हैं स्पॉन्जेस, ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा तो ओवरव्यू दे दिया है कि जो आपका फाइलम पॉरीफेरा होता है वो क्या होता है, उसमें हम लोग स्पॉन्जेस पढ़ते हैं, कनाल सिस्टम मेन है, ठीक है। तो कनाल सिस्टम दूसरा टॉपिक है, और कनाल सिस्टम के बाद जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है आपका, स्केलेटन्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स कैसे होते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आपका हो गया तीसरा टॉपिक, और वहाँ पे वो एंड होता है। थोड़ा सा हम लोग उसमें देख लेंगे कि ये इकोनॉमी में कैसा हेल्पफुल है, इसका हार्मफुल क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में यूजफुल क्या है, ये वो भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। बस इतना ही है आपका फाइलम पॉरीफेरा में। तो आज का क्लास मेरा यहीं पे एंड होता है, थैंक यू सो मच।